नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट है। अन्य दो पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए लिंक से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हायाबुसा 2 से रयुगु पर इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा किया रहा है? तो हायाबुसा 2 से रयुगु पर इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा द्वारा किया रहा है। जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा हायाबुसा 2 से रयुगु पर इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण किया रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 से ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह पर विस्फोटक आवेश सृजित किया है। इसका उद्देश्य है रयुगु के धरातल पर एक इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण करना। अब इंपैक्ट क्रेटर का मतलब एक गड्ढे का निर्माण करना, जिससे कि वहां से चट्टानों के सैंपल लिए जा सके। इन चट्टानों के सैंपल से हमें यह पता चलेगा कि हमारी जो सौर प्रणाली है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इसलिए इन चट्टानों के सैंपल अति महत्वपूर्ण है। इनके सैंपल लेने के लिए स्मॉल कैरी ऑन इम्पैक्टर नामक उपकरण का यूज किया जाएगा। तो स्मॉल कैरी ऑन इम्पैक्टर जो उपकरण है, इसमें 14 किलो प्लास्टिक विस्फोटक भी लगा हुआ है, जिससे कि वहां पे गड्ढा हो पाएगा। ये सारा काम जो है जापानी स्पेस एजेंसी जक्सा द्वारा किया जा रहा है। और ये जो रयुगु क्षुद्र ग्रह है, इसकी चट्टाने काफी हद तक हमें सौर प्रणाली को समझने में सहायता करेंगी। जापान की स्पेस एजेंसी के विषय में देख लीजिए। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय जापान में है। और हायाबुसा 2 जो है जापान का यान है जो कि रयुगु पर इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण करने के लिए गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हाल में ही डॉक्टर ज्ञानादित्य साक्य को महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस भाषा के विद्वान हैं? तो डॉक्टर ज्ञानादित्य साक्य, जिन्हें अभी हाल में ही महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पाली भाषा के विद्वान हैं। तो ऑप्शन सी सही है। 4 अप्रैल 2019 को पाली के एक विद्वान डॉक्टर ज्ञानादित्य साक्य को महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ साथ इनको 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। इनको यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: ब्रह्म विहारा भवन, अनागता वासा, चकेश सधातु वासा, पंचागति दीपनी और गंधवासा। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं जिनको जिनके लिए डॉक्टर ज्ञानादित्य साक्य को महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पाली भाषा के विद्वान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही केरल में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो हाल में ही केरल में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम हेम्ब्रोसिस्टेम लॉन्गी स्पिनम रखा गया है। तो ऑप्शन बी सही है। केरल में नई मकड़ी की प्रजाति खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है हेम्ब्रोसिस्टेम लॉन्गी स्पिनम। हाल में ही शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा केरल के एर्नाकुलम में मौजूद इली थोडू के जंगल में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है हेम्ब्रोसिस्टेम लॉन्गी स्पिनम। कोची के सेक्रेड हार्ट कॉलेज के जंतु वैज्ञानिकों द्वारा केरल के एर्नाकुलम में मौजूद किली थोडू के जंगल में हेम्ब्रोसिस्टेम लॉन्गी स्पिनम की खोज की गई है। मकड़ी हेम्ब्रोसिस्टेम विज्ञान की एक नई प्रजाति की मकड़ी है। इसका वर्गीकरण नई प्रजाति में किया गया है, हेम्ब्रोसिस्टेम में। और वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इन मकड़ियों के अगले पैरों के नीचे एक लंबी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये भी इनकी विशेषता है कि इनके पैरों के नीचे एक लंबी रीढ़ होती है, और इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हेम्ब्रोसिस्टेम लॉन्गी स्पिनम रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर फोर, वह राज्य जहां विज्ञान विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने हेतु कैफे साइंटिफिक स्थापित किया जा रहा है। तो अभी हाल में ही केरल में विज्ञान विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने हेतु कैफे साइंटिफिक स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, केरल के ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के विज्ञान विशेषज्ञों का एक समूह ने एक दिलचस्प तरीके से जनता के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैफे साइंटिफिक स्थापित करने की योजना बनाई है। यह केंद्र सार्वजनिक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों को लोकप्रिय सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक विज्ञान की पहल को बढ़ावा प्रदान करने का कार्य करेगा। तो केरल के वैज्ञानिकों ने कैफे साइंटिफिक स्थापित करने की योजना बनाई है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अभी हाल में ही रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए इंद्रप्रस्थ गैस के साथ किस कंपनी ने हाथ मिलाया है? तो अभी हाल में ही रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए इंद्रप्रस्थ गैस के साथ टाटा पावर ने हाथ मिलाया है, ऑप्शन ए सही है। 2 अप्रैल 2019 को टाटा पावर ने रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंधक ईएस रंगनाथन और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत पावर यूटिलिटी फर्म जिसे हम टाटा पावर के नाम जानते हैं, इसके सीईओ प्रवीण सिन्हा के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता रूफटॉप सौर परियोजनाओं को के लिए है और टाटा पावर के विषय में जानकारी ले लीजिए, इसके सीईओ हैं प्रवीण सिन्हा और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में जानकारी ले लीजिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसके सीईओ नरेंद्र कुमार हैं। तो अभी इन दोनों कंपनियों के बीच में रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, MS-60 रोमियो सी हॉक जिसकी अमेरिका ने भारत को बिक्री के लिए हाल में ही मंजूरी दी है, ये क्या है? तो MS-60 रोमियो सी हॉक एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसकी अमेरिका ने भारत को बिक्री के लिए हाल में ही मंजूरी दी है और यह सौदा जो है 240 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। अब इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं क्या है इनको देख लीजिए। ये हेलीकॉप्टर दुनिया का अत्याधुनिक समुद्री हेलीकॉप्टर समझा जाता है। यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी होगा। रक्षा सेनाओं को यह हेलीकॉप्टर मिलने से स्थल और जल सेनाओं में भारत की मजबूती बढ़ेगी। तो ये MS-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर जो है ऐसे 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है वो भारत को मिलेंगे अमेरिका से और ये सौदा 240 करोड़ अमेरिकी डॉलर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल में ही संपन्न हुए 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो अभी हाल में ही संपन्न हुए 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राजी फिल्म को मिला है, तो ऑप्शन ए सही है, राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में। 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह जो है ये 23 मार्च 2019 को मुंबई में आयोजित हुए थे। इस समारोह में पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार से है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो राजी थी, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक फिल्म जो थी वो अंधाधुन थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर थे जिनको संजू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है फिल्म राजी के लिए। तो ये इस बार 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह हुए थे मुंबई में जिसमें कि इन फिल्मों और इन कलाकारों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर एट, कैंडिडा ऑरिस फंगस की चपेट में विश्व के कई देश आ गए हैं। सबसे पहला इस फंगस का मरीज किस देश में पाया गया था? तो कैंडिडा ऑरिस नामक फंगस की चपेट में विश्व के कई देश आ गए हैं और इस फंगस का मरीज सबसे पहले जापान में पाया गया था, ऑप्शन ए सही है। कैंडिडा ऑरिस नामक फंगस संक्रमण जो दवाइयों के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा विकसित कर लिया, यानी कि दवाइयों का असर इस फंगस पे नहीं होता है, ये विगत 5 वर्षों में इसका संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया है। इस फंगस का मरीज सर्वप्रथम
जापान में 2009 में पाया गया था, किंतु अब ये भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में भी इसके मरीज पाए जा रहे हैं। आमतौर पर यह फंगस अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में पाया जाता है। यह कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती है उनको जल्दी अटैक करता है, जैसे कि वृद्ध लोग जो कि इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। आमतौर पर ये फंगस जो है अस्पतालों और नर्सिंग होम में पाया जाता है, यानी कि जो वहाँ पे वृद्ध मरीज होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उन पर ये जल्दी अटैक करता है। रक्त में एक बार प्रवेश करने के पश्चात इसका संक्रमण काफी खतरनाक हो जाता है, उससे जान भी जा सकती है। यह बड़े एंटी फंगस दवाइयों का प्रतिरोध विकसित कर लिया है, यानी कि बड़ी बड़ी एंटी फंगस दवाइयां जो है उसके खिलाफ इसने इम्यूनिटी बना ली है खुद की, जिससे कि उन दवाइयों का असर इस पर नहीं होता है। 90% से अधिक संक्रमण कम से कम एक दवा के प्रतिरोधक विकसित कर लिया है, यानी कि इसमें क्या है कि इसने जो इम्यूनिटी विकसित कर ली है दवाइयों के खिलाफ, तो दवाइयों का असर इस पर होता नहीं। इसकी वजह से ये फंगस काफी खतरनाक हो गया है और इसका नाम है कैंडिडा ऑरिस फंगस, और इसकी चपेट में सर्वप्रथम जापान के मरीज आया था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2019 में किस प्रमुख कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और साउथ ईस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल में ही गूगल इंडिया के एमडी और साउथ ईस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट राजन आनंद ने इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन बी सही है, गूगल इंडिया। अप्रैल 2019 में गूगल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और साउथ ईस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट राजन आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब विकास अग्निहोत्री जो है अंतरिम प्रमुख के रूप में गूगल इंडिया का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि राजन आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, अब इनकी जगह पे विकास अग्निहोत्री अंतरिम एमडी के रूप में काम करेंगे। और राजन आनंद ने 2011 में गूगल कंपनी में शामिल हुए थे, इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वर्क करते थे। तो राजन आनंद जो है वो गूगल इंडिया के एमडी और साउथ ईस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने गूगल इंडिया को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, अब उनकी जगह पे विकास अग्निहोत्री अंतरिम एमडी के रूप में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया एंड एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक किसने लिखी है? तो ये अभी पुस्तक जो लिखी गई है आभास मालदा हियार द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही है, आभास मालदा हियार ने मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया एंड एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक लिखी है। 1 अप्रैल 2019 को गरुण प्रकाशन ने मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया एंड एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक प्रकाशित की है। इसके साथ साथ गरुड़ प्रकाशन ने एक बुक और प्रकाशित की है जिसका नाम है सेफ्रॉन सॉर्ट्स, सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू एंडेवर्स। ये बुक और प्रकाशित की गई है, सेफ्रॉन सॉर्ट्स, सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू एंडेवर्स, और इसके लेखक का नाम है मनुषी सिन्हा रावल। और इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन जो है गरुण प्रकाशन ने किया है 1 अप्रैल 2019 को।